शवासन का अभ्यास करेंगे, लेट जाए, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दे, जैसी श्वास आ रही है आने दे, जैसी जा रही है जाने दे। शवासन में दोनों पैरों में एक सवा फीट का फासला कर ले, दोनों पैरों के पंजों को इतना ढीला छोड़े कि जमीन की तरफ छू जाए, दोनों हाथ शरीर से 6 इंच दूर रखे, हथेली करो आकाश की ओर, आधी उंगलियां नेचुरल वे में मुड़ी, गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़ दे, आंखें कोमल करके बंद कर। शवासन के प्रारंभ में यदि शरीर में कोई अड़चन आ रही हो, तकलीफ हो रही हो, कपड़े अटक रहे हो, तो शरीर को जरा सा हिला डुला कर ठीक कर, पर एक बार शवासन प्रारंभ होने के बाद शरीर को हिलाना डुलाना। शवासन वरदान स्वरूप है उन लोगों के लिए जिनको उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, अल्सर की बीमारी है, और स्वस्थ लोग भी इसे करते हैं तो उनके शरीर में फिर 2-2.5 घंटे के ऊर्जा पैदा हो जाती है, उनका शरीर फिर काम करने लायक हो जाता है। तो शवासन दोनों को ही लाभकारी है, इसलिए सभी शवासन कर सकते हैं, पर सही प्रकार से 5 से 7 मिनट यदि आप शवासन करते हो तो ही लाभ मिलेगा। शरीर में कोई विचार नहीं रखना है, विचारों से ही तनाव की उत्पत्ति होती है और वही तनाव हमारे शरीर में मनोदैहिक बीमारियां शुरू कर देती है। इसलिए पूरा ध्यान अपने शरीर पर, पूरा ध्यान अपने शरीर पर, मन को शरीर से बाहर नहीं भटकने देना। यदि मन शरीर से बाहर भटक गया तो शवासन का कुछ भी लाभ नहीं होगा, सिर्फ शरीर को रेस्ट मिलेगी। इसलिए मन और शरीर को जोड़ के रखना है शवासन। जो आपको बाहर से इंस्ट्रक्शन मिल रही है शवासन में, उन्हीं को अपने शरीर पे फॉलो अप करें। तो सबसे पहले अपने बंद आंखों से अपने मन को दोनों पैरों के पंजे पर ले जाए, उन पंजों में खिंचाव लाए और उनको रिलैक्स कर, धीरे छोड़ दे, दोनों पैरों के पंजों को जमीन को सुपुर्द कर दे, छोड़ दे, त्याग कर दे। उसी तरह दोनों पैरों के एरिया खींचे अपने तरफ, उसके मांसपेशियों को ढीली छोड़ दे, पिंडलियां, जंगा, घुटने की सारी मांसपेशियां की थी और ढीली छोड़ दी, दोनों पैर कमर से लेकर पंजे तक पूरे खींचे और ढीले छोड़ दीजिए। अब दोनों पैरों को अपने भूमि को समर्पित कर दिया, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई दर्द नहीं है। इसी प्रकार अपने दोनों मन को अपने दोनों हाथों के उंगलियों पर ले जाए, उंगली से लेकर खंधे तक पूरे सारी मांसपेशियां खींच ले, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सारी खींच ले और दोनों खंधों को ढीला छोड़ दे, उंगलियों को ढीला छोड़ दे, तनाव रहित कर दे। अब आपके दोनों पैर और दोनों हाथ बिल्कुल तनाव रहित हो गए, इसमें कोई हलचल नहीं है, कोई तनाव नहीं है। इसी प्रकार अब अपने मन को अपने नाभि पर लाइए, नाभि में एक हल्का हल्का सा स्पंदन हो रहा है, उसे महसूस करें। नाभि के नीचे जननेंद्रियां बिल्कुल शिथिल कर दे, तनाव मुक्त कर दे। इसी प्रकार अपना ध्यान बंद आंखों से अपने पेट पर लाए, पेट का सारा तनाव रिलैक्स करें, और ढीला पेट को और ढीला करें, और ढीला करें। अब मन को ले जाए पेट के अंदर, बढ़िया छोटिया लीवर पेंट्रिया सबको कहे अभी विश्रांति ले, तनाव मुक्त हो जाए, कोई काम लेने वाली नहीं हूँ अभी मैं, ऐसा उसको कहे 2-4 मिनट तक आप पूर्ण विश्राम लें। इसी प्रकार अपने मन को और ऊपर ला, अपने फेफड़ों की तरफ, जो श्वास आ रही है आने दे, जो श्वास जा रही है जाने दे, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, सिर्फ कल्पना करें जो श्वास आ रही है वो सफ़ेद रंग की है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति पैदा हो रही है। जो प्रश्वास हम मैं कर रही हूँ वो काले भूरे रंग की है, जिससे मेरे शरीर के सारा आलस्य थकान सारे रोग बाहर पड़ रहे हैं, सारा तनाव बाहर हो रहा है। चलने दे अपनी श्वास, फेफड़ों का अपना काम करने दे। अब अपने ध्यान को और ऊपर लाए अपने हृदय की तरफ, देखिए हृदय भी अपना काम कर रहा है, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, सारे अंग प्रत्यंग जोड़ में रक्त का प्रवाह प्रसारण कर रहा है, सारा शुद्ध रक्त आपके शरीर में एक एक अंग नस नाड़ियों में प्रवाहित हो रहा है, कहीं भी रक्त की कमी नहीं है, हृदय अपना काम कर रहा है, उसे करने दे। अब अपना ध्यान अपने कंठ पर ला, कंठ की सारी मांसपेशियां सिकुड़ दे और ढीली छोड़ दे, गर्दन की मांसपेशियां सिकुड़ दे, ढीली छोड़ दे, गर्दन को जैसे अच्छे लगते उसको टूटा सकते हैं आप, और गर्दन पर कोई तनाव नहीं। अब अपना ध्यान उस अंग पर लाइए जिस पर सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं 24 घंटे आप, वो है आपकी जबान, जबान का अंदर ही अंदर सवास और ये और दानों को देखिए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे को
ऊपर का और सारा ढीला छोड़ते जाए, दोनों नासिक दोनों का बिल्कुल ढीले छोड़ दे, तनाव दोनों का बिल्कुल तनाव वही तनाव में, अब अपना ध्यान दोनों दोनों आंखों की पलके बिल्कुल ढीली छोड़ दे, दोनों भौंहें बिल्कुल ढीली छोड़ दे, तनाव मुख और ढीली छोड़े, अब अपना ध्यान दोनों भाव के बीच टिकी बिंदी लगाते हैं वहाँ पर ला, आज्ञा चक्र कहते हैं, यही विल पावर का केंद्र है, कहते हैं शवासन में लिया हुआ संकल्प पूरी तरह सफल होता है, तो आप अपने शरीर के लिए कोई भी संकल्प ले सकते हैं, तो आप कोई भी संकल्प ले रहे हो सफल 100% होगा। अब अपना ध्यान और ऊपर लाए ललाट की तरफ, ललाट को ढीला छोड़ दे, तनाव मुक्त कर दे, अब निरीक्षण करें बंद आंखों से शरीर का कि शरीर ऊपर से नीचे भूमि के कहाँ पर कहाँ कहाँ पे टच हो रहा है, उस सारे अंगों को ढीला छोड़ दे, सिर का पिछला हिस्सा, खंधे, कमर, पिंडलियाँ, एड़िया, सारी भूमि को समर्पित करते जाए, अंत में मेरुदंड जिस पर आप लेटे हुए हैं उस मेरुदंड को भी भूमि को समर्पित कर दें, अब पूरा का पूरा शरीर ही भूमि को समर्पित कर दें, अब आपका पूरा का पूरा शरीर भूमि में समाहित हो रहा है ऐसी कल्पना करें, इतना शरीर आपने छोड़ दिया है, अब अपने बंद आंखों से अपने मन को शरीर से बाहर निकालें और अपने दाहिने खंधे के वहाँ खड़े होकर निरीक्षण करें, देखिए आपका शरीर पूरी शव के माफिक पड़ा हुआ है, जिस तरह शव हिलडुल नहीं सकता उसी तरह आपका शरीर पूर्ण विश्रांति ले रहा है, शरीर से सारी हताशा निराशा समाप्त हो गई है, सारे तनाव रिलैक्स हो गए, अब शरीर में कोई तनाव नहीं है, पूर्ण विश्रांति ले रहा है, पूर्ण विश्रांति ले रहा है, ऐसी कल्पना करें कि आपका शरीर सूखे पत्ते की तरह हवा में झूल रहा है, बादलों की तरह हवा में मंडरा रहा है, शरीर स्वस्थ है इसलिए मन प्रसन्न है, अब धीरे धीरे अपने मन को अपने शरीर में प्रवेश कराएं और अपने मन को नाक के अग्रभाग पर बिठाकर अपने श्वास प्रश्वास का पहरेदार बना लें, ना आपके जाने बगैर आप कोई श्वास अंदर आ पाए, ना आपके जाने बगैर कोई प्रश्वास आ पाए, पूरा ध्यान आपके अग्रभाग पर आती जाती श्वास, शवासन एक ऐसा आसन जो शरीर और मन को जोड़ता है और वर्तमान में जीना सिखाता है, 5-7 मिनट शवासन किया हो तो आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा पैदा हो जाती है, अब धीरे धीरे हम शवासन समाप्त की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे हम शवासन समाप्त की ओर जा रहे हैं, दोनों पैरों की उंगलियों में जरा सी हलचल रहा है, धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल रहा है, धीरे धीरे दोनों पैर पास पास रहा है, धीरे धीरे दोनों हाथ कमर के पास रहा है, एक बार श्वास भर के दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाए, तानिए नाभि के नीचे का हिस्सा नीचे की ओर, ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर, तानिए और तानिए, रीढ़ को प्रभाव प्रभावित होने दे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कमर के पास, आंखें बंद रखे, बाया हाथ सिर की तरफ ले जाए, दाहिना घुटना मोड़े, पूरी बाही कपट हो जाए, दाहिना हाथ सीने के सामने जमीन पर रखे, उसी का सहारा लेकर आराम से उठ के बैठे, आंखें नहीं खोलना है, साथ बैठे सिद्धासन सुखासन जिसमें भी आप बैठ सकते हैं बैठे, रीढ़ सीधी रखे, दोनों को नमस्कार की मुद्रा में आ जाए, ओम नमः शिवाय नीचे गोदी में रखते हुए हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ेंगे।